नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन पे जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर वन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है। ओके, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत ये क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, यानी कि देखिए, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए होंगे तो बिल्कुल ये क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 22 जुलाई का क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2018, यानी कि सबका एग्ज़ाम हुआ था 8 जुलाई को। ओके, 8 जुलाई को सबका एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, लेकिन इलाहाबाद के सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। कुछ सेंटरों पे इलाहाबाद के नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, तो वहाँ पेपर फर्स्ट जो है और पेपर सेकंड फिर से कराया गया। तो वो कराया गया आपको 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई को ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर वन में। तो देखिए, हमने आपको 8 जुलाई का भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था ये रिसर्च एप्टीट्यूड का, और देखिए आज हम फिर से सॉल्व कराएंगे आपके साथ इस वीडियो में ये क्वेश्चन। तो देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत रिसर्च के टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बार एग्ज़ाम में ना पूछा जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, रिसर्च के टाइप तो वही दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ जो विशेषताएं या जो मैचिंग करने के लिए दिया जाता है उसके शब्दों में बदलाव कर दिया जाता है, एग्जाम्पल में बदलाव कर दिया जाता है, तो उसके साथ हजारों टाइप के नए नए आपकी विशेषताएं बना के या रिसर्च टाइप के अंतर्गत जो नए नए शोध किया जा सकता है उसका एग्जाम्पल देके मैचिंग कराने के लिए कह दिया जाएगा या पूछा जाएगा कि यह किसके अंतर्गत रिसर्च टॉपिक आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो देखिए, अगर आप रिसर्च के टाइप को सही से समझ लेंगे, जो कि हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है, या चाहे तो आप सेल्फ स्टडी करके सही से समझ लेंगे, तो फिर आपके एग्ज़ाम में ये पोर्शन आपका बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो देखिए, हम डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन पे, सबसे पहले चलते हैं और देखिए, सबसे पहले दिया गया है लिस्ट वन और लिस्ट टू। ओके, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू यहाँ पे दो दिए गए हैं, और एक में दिया गया है शोध विधियाँ। ओके, चलिए, यहाँ पे रिसर्च मेथड्स है, और देखिए सेकंड में दिया गया है महत्वपूर्ण विशेषताएँ, यानी कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे कार्योत्तर विधि। तो देखिए, जो इंग्लिश समझने में बेहतर हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा वो चाहते हैं, तो उनके लिए बता दें कि देखिए, कार्योत्तर विधि एक्स पोस्ट फैक्टो को बोलते हैं, तो आपको याद होगा, क्योंकि देखिए, हिंदी और इंग्लिश अगर एक को सही से पकड़ के नहीं चलते हैं तो दोनों के बीच में रह जाते हैं। ओके, तो हाल वही हो जाता है कि ना घोड़ा बने और ना गधे बने, ओके, बीच में खच्चर की व्यवस्था हम बना के बैठ गए हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कार्योत्तर विधि, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो। देखिए, फिर सेकेंड कहा गया है व्यष्टि अध्ययन विधि। तो देखिए, व्यष्टि अध्ययन विधि कहते हैं किसको, यानी कि केस स्टडी को। फिर देखिए, दार्शनिक विधि, यानी कि फिलोसफिकल मेथड यहाँ पे दिया गया है। फिर देखिए, डी दिया है वर्णनात्मक सर्वेक्षण, यानी कि आपका डिस्क्रिप्टिव जो सर्वे मेथड है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब आपको मिलाना है, तो देखिए कितनी आसानी के साथ, अगर थोड़ा सा भी आप लॉजिक लगाएंगे तो रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं, रिजल्ट हमारे पास ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि कोई भी आंसर जो कि हमें नहीं प्राप्त हुआ है ऐसा कि मैं इसको कह दूं कि ये ऑफिशियल है, लेकिन जो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा आपके साथ वो बिल्कुल ऑफिशियल पे एकदम करेक्ट बैठेगा, क्योंकि इसको देखिए आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना बेहतर सॉल्व किया जाएगा कि चैलेंज करने के लिए कोई यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आप कहीं पे भी मिला लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपका शोध विधि यानी कि रिसर्च मेथड था कि कार्योत्तर विधि, यानी कार्योत्तर विधि किसको कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या करता है, देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो में इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी घटना घट चुकी होती है, सिर्फ हम प्रभाव को देखते हैं। अब खोजते हैं हम इसमें कहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए, एक बड़े समूह बिल्कुल नहीं है, एक महान चिंतक बिल्कुल नहीं है, हस्तक्षेप आधारित सुधारात्मक उपागम नहीं, नहीं ये भी नहीं सही होगा। कहा गया कारण मूलक तुलना और सहसंबंध, और पांचवा कहा गया है किसी उद्देश्य के लिए नहीं, नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आ गया आपका कि कारण मूलक तुलना। ओके, इसको तो आप एकदम अंडरलाइन ही कर ही लीजिए, क्योंकि हमने कहा कि घटना घट चुकी होती है, उसके बाद हम
उसके प्रभाव को देखते हैं और संबंध बनाते हैं कि क्या हुआ होगा। ओके, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल गायब हो चुका होता है, डिपेंडेंट पे हम अपना रिसर्च चालू करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बैठता है कि कार्योत्तर भी आपका हो गया क्या, चौथा। तो हमने कर दिया ए का चौथा, चलिए ये खत्म हो गया। अब चलिए सेकेंड मिलाते हैं कि व्यस्ट अध्ययनविद, यानी कि अब कह रहा है केस स्टडी। और केस स्टडी में क्या कहते हैं, हम किसी इकाई, ओके, किसी इकाई या समूह का बहुत गहन अध्ययन, डीप अध्ययन करते हैं, तब वो होता है केस स्टडी। बहुत उसके हर पक्षों का अध्ययन करते हैं जब रिसर्च में, तब आता है वो केस स्टडी। तो देखिए केस स्टडी के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा, कहा गया एक बड़े समूह पर किए गए, नहीं, एक महान चिंतक, नहीं, हस्ताक्षेप, बिल्कुल नहीं। ओके, यहाँ पे कारण जो मूलक तुलना संबंध जो है ये तो हो गया बिल्कुल। अब हम सोचेंगे कि भाई इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ओके, तो यहाँ पे केस स्टडी कहा गया है। ओके, केस स्टडी को समझिए, केस स्टडी जब डीपली हम कह रहे हैं, जब डीप आप जाके कहीं पे चेक करेंगे। तो देखिए आगे आपका पांचवा, हमने थोड़ा सा टाइम दिया क्योंकि आपका दिमाग अच्छे से चले ताकि एग्जाम में भी सही हो। तो देखिए यहाँ पे पांचवा है, आ गया पांचवा आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आपके केस स्टडी, मैंने कहा कि किसी इकाई का गहन अध्ययन या किसी ऐसे समूह का गहन अध्ययन जो कि उसके हर पक्षों को अपने रिसर्च में शामिल करता हो। तो ये आ गया आपका कौन सा, पांचवा। अब दो आपके ए और बी यहाँ पे खत्म हो गए। अब चलिए सी पे देखते हैं, सी बहुत आसान है, यहाँ दार्शनिक विधि। ओके, अगर आप पीजी में या ऐसे कोई एमएड जैसे किए हों या कोई और भी आपका कोर्स रहा हो, तो उसमें देखिए अगर रिसर्च का अंतर्गत मुझे डिजर्टेशन का एक वर्क कराया जाता है, तो डिजर्टेशन में जल्दी लोग फिलोसफिकल, यानी कि जो फिलोसफिकल मेथड होता है, विधि होता है, वो टीचर जल्दी देते नहीं हैं, यानी कि सुपरवाइजर आपका जल्दी अलाट नहीं करता है, कहता है कि बहुत आसान काम है, किसी के विचारों को आप देखेंगे, आप उसको निकाल के रिसर्च में डाल देंगे। ओके, तो बस आप याद रखिए, अगर कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, कि एक महान विचारक की विचारधारा क्या व्याख्या, देखिए यहाँ पे आ जा रहा है। तो दार्शनिक विधि क्या है, दार्शनिक विधि ऐसी विधि है जिसमें किसी के चिंतन का, किसी के चिंतन धारा का हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं और हम अपने रिसर्च में उसको डाल के प्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया आपका दार्शनिक विधि। तो देखिए बहुत आसान था ये तो। और आ गया आपका अब वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि, यानी कि आपका डिस्क्रिप्टिव जो मेथड है उसमें आ गया सर्वे विधि। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर सर्वे विधि क्या करता है, सर्वे विधि देखिए, अगर आपको सर्वे करना हो कि राजनीतिक दल कौन सा इस चुनाव में जीतने वाला है, या कोई ऐसा व्यक्ति है, ओके, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई काम करना चाहता है, ओके, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, तो क्या करेगा, ओके, सर्वे कर सकता है कि जनता को कैसी नीड है उस प्रोडक्ट की, ओके, और उस हिसाब से वो प्रोडक्ट बना के मार्केट में निकाल देगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एक बड़े समूह पे जो पहला दिख रहा है, देखिए सबसे बेहतर है कि एक बड़े समूह पर किए गए अध्ययन पर आधारित स्थिति का पता लगाना। ओके, यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्टिव सर्वे यानी कि सर्वेक्षण विधि आपका बिल्कुल बेहतर बैठता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका डी का हो गया कौन सा, पहला। तो देखिए अब चलते हैं और चेक करते हैं हमारे पास कि आंसर जो वहाँ पे हमें दिया गया है, यानी कि कूट में आंसर सेलेक्ट करने के लिए जो दिया गया है, उसमें हमारा ऑप्शन जो सेलेक्ट किए हैं वो है कि नहीं, भैया ये तो चेक करना पड़ेगा। अब आते हैं, देखिए याद होगा आपको, तो देखिए हमने पहला का क्या लगाया था, पहला का हमने लगाया था चौथा, सेकेंड का लगाया था पांचवा, दार्शनिक का लगाया था दूसरा, और डी वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का लगाया था कहाँ पे, आपका वन पे। तो अब देखिए मिलाते हैं, देखिए आपका, देखिए चौथा, ए का चौथा, ए का चौथा यहाँ पे आ गया, बी का, ओके, बी का पांचवा, अब बी का
पांचवा देखिए यहाँ पे आ गया, सी का यहाँ पे दूसरा बोल रहा है। देखिए सी का आपका दूसरा, बिल्कुल सी का देखिए दूसरा भी यहाँ पे सही है। अब देखिए डी का पहला कहा जा रहा है, तो देखिए डी का पहला, तो हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये आपका दो नंबर फिक्स हो गया। ओके तो फ्रेंड्स देखिए कितने आसानी से, ओके कितने आसानी से यहाँ पे निकल के आ गया क्या आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स तो आशा करते हैं ऐसे ही एग्ज़ाम में आप बहुत फास्ट तरीके से प्रोसेस करेंगे अपने माइंड का, अपने दिमाग का उपयोग करेंगे और अपने दिमाग के प्रोसेसर से आंसर को निकाल के फटाक से लगा देंगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।